कृषि बिल के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गया के गांधी मैदान के पास धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि बिल वापस लेने को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। जाप कार्यकर्ताओं ने कहा कि कृषि बिल वापस नहीं लिया गया तो वो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। अरवल में अमीर बीघा गांव के पास पिकअप वैन में अचानक आग लग गई और पूरी गाड़ी धू धू कर कर जल गई। घटना NH 139 की है। हालांकि चालाकी दिखाते हुए ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। पिकअप वैन सासाराम से पटना जा रही थी। वहीं दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। साल 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अरवल के कलेर प्रखंड कार्यालय में वीडियो ने एक बैठक की। बैठक पर कई मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ नई मतदाता सूची तैयार करने की बात भी कही गई। वहीं वीडियो ने इस संबंध में कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अरवल जिला के करेर अंचल कार्यालय में भूमि सर्वेक्षण को लेकर एक बैठक की गई। ये बैठक अंचल निरीक्षक और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सुधीर कुमार के नेतृत्व में की गई। इस दौरान लोगों को सरकार की ओर से चलाए जा रहे सर्वेक्षण और बंदोबस्त योजना की पूरी जानकारी दी गई। मसौढ़ी में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए मसौढ़ी थाना की पुलिस ने गांधी मैदान के पास दो युवकों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक पहले भी दूसरे मामले में जेल जा चुका है। जहानाबाद घोसी उल्लासगंज सड़क पर मोसिया सराय गांव के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर हंगामा किया। लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग करते हुए स्थानीय विधायक को मौके पर बुलाने की भी मांग की।